बिलानी चौक लोकसभा से जीते हुए बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप सब लोगों ने, मीडिया ने इस पूरी जीत में बड़ा योगदान दिया है। जनता ने आपको समर्थन दिया। एक पल तो ऐसा लगा था कि सीट हाथ से जा रही है, फिर आप जीत गए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जब चुनाव प्रचार में गया 90 दिन, तो जिस प्रकार का समर्थन लोगों से मिला और जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की है, और अगर मैं कहूँ तो मेहनत की पराकाष्ठा को उन्होंने छुआ है, तो उसमें कहीं एकमात्र संदेह नहीं था कि कहीं कोई चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है। मतगणना में ऊंच नीच आती रहती है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी अलग होती है। तो डेमोग्राफी के लिहाज से शुरू के 2-3 राउंड में हम पिछड़ जरूर रहे थे, लेकिन एक बार जब हम विजय होना शुरू हुए तो फिर कांग्रेस हमें पकड़ ही नहीं पाई और हम 90,000 वोटों से जीते। क्योंकि आपके सामने बहुत ही कई बार सांसद भी रह चुके थे जेपी अग्रवाल, तो कई बार ऐसा लगा कि अब जो है टक्कर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है। कांग्रेस के पास क्या है? ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, और कार्यकर्ता तो है ही नहीं। वो उधार में कार्यकर्ता मांग रहे थे आप पार्टी के लोगों से, तो कार्यकर्ता उनके पास भी नहीं थे, लिहाजा दोनों औंधे मुँह जा गिरे और दिल्ली में 7 सीटों पर भाजपा विजय हुई। अरविंद केजरीवाल भी आए थे, जेल का जवाब वोट से, लगातार इस तरह का कैंपेन भी उन्होंने किया, लेकिन काम नहीं आया। दिल्ली की जनता ने दिया उनको जवाब, और जो नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जेल में रह करके सहानुभूति बटोरने की, दिल्ली की जनता समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड दूसरा कोई नहीं है, और ये माकूल जवाब दिल्ली की जनता ने उनको दिया है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को अब ये निर्णय करना चाहिए कि स्वस्थ राजनीति क्या होती है। अब तो आप सांसद बन चुके हैं, जनता ने आपको सपोर्ट इतना किया, अब काम क्या करेंगे, क्या क्या लक्ष्य है? देखिए, काम करने की एक लंबी श्रृंखला है। मैं आज केवल ये कह सकता हूँ कि मैंने जो वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं, जो संकल्प लिए हैं, हम सब मिलकर के एक एक वादे को, वचन को, संकल्प को पूरा करेंगे। और उसमें आप ये समझ सकती हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी की जबान कभी झूठी नहीं होती। मानकर चलें कि अब व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है उन्हें राहत मिलेगा। व्यापारियों को तो करूंगा ही, लेकिन व्यापारियों के अलावा एक बड़ा वर्ग जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, मैं हर उस आदमी के लिए काम करूंगा, और ऐसे काम करूंगा कि किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। तो जिम्मेदारी बड़ी है, अगले साल विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली में। बिल्कुल, जिम्मेदारी बड़ी है। मैंने अपने प्रचार में भी बार बार कहा कि हम सब लोग और भाजपा के लोग इतना काम करने वाले हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 विधानसभाएं हैं, तो हम इस बात के लिए बजित हैं कि 10 की 10 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयी हों और वो विधायक बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना प्रवीण खंडेलवाल को, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ये सभी लोग लग जाएंगे। सर, दिल्ली से कैमरामैन मेम के साथ श्वेता गुप्ता।